बेगूसराय जिला कृषि कार्यालय परिसर विशनपुर में 2 दिवसीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का उद्घाटन बेगूसराय डीएम अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी शैलेश कुमार, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भुवन कुमार सहित जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, किसान सलाहकार सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए प्रगतिशील किसान मौजूद थे। कार्यक्रम के उद्घाटनोपरांत जिला पदाधिकारी ने कार्यक्रम में मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला कृषि कार्यालय बेगूसराय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय किसान मेला सह प्रदर्शनी जिले के किसानों को कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों के समावेशन की जानकारी देने के उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, कृषि क्षेत्र विभिन्न समकालीन चुनौतियों तथा मृदा स्वास्थ्य का क्षरण, जल छाजन, भू जल स्तर में गिरावट, उत्पादन एवं उत्पादकता में कमी सामना कर रहा है। इसके अतिरिक्त संभावित जलवायु परिवर्तन का असर पर कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। इसलिए आवश्यक है कि कृषक कृषि के विभिन्न पारंपरिक तौर तरीकों में वर्तमान पाकर कृषि से जुड़े नवीनतम तकनीकों को अपनाएं, ताकि मृदा के बेहतर स्वास्थ्य को बरकरार रखते हुए न सिर्फ कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके बल्कि उसमें आवश्यक पोषक तत्वों की भी उपलब्धता बरकरार रहे। कृषि कार्यों में पारंपरिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक खादों, अत्यधिक जल प्रयोग, कीटनाशकों के प्रयोग पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इन कारणों से वैश्विक स्तर पर कृषि ह्रास देखने को मिल रहा है। इसलिए आवश्यक है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ सिंचाई के नए नए साधनों जैसे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई एवं जलवायु अनुकूल कृषि को अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि जल की पर्याप्त सुनिश्चित करने की दृष्टि से भी राज्य सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी अभियान जल जीवन हरियाली का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अभियान में कृषि विभाग को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जिम्मेवारी दी गई है। एक मिनट रुके रुके। आज 2 दिन का किसान मेला का आयोजन किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जो कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे किसान भाई उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें, साथ ही साथ जनजीवन हरियाली अभियान अंतर्गत जो सिंचाई की नई पद्धति है, ड्रिप इरीगेशन, माइक्रो इरीगेशन, उसके बारे में लोग जानकारी प्राप्त करें, ताकि लोग उसका क्या सरकार किसमें योजना है, कितना अनुदान है, कितना खुद लगाना है, किसान भाई आके यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैविक खेती के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है और प्रदर्शनी भी लगाई गई है और इसमें विशेषज्ञ भी आए हुए हैं, वो लोग भी संबोधित करेंगे किसान भाइयों को, उनको भी जानकारी देंगे विभिन्न प्रकार की योजनाओं की, साथ ही नई पद्धतियाँ कौन कौन सा लोग प्रयोग कर सकते हैं, ताकि हम लोग जलवायु परिवर्तन के और पानी का जो संकट रहेगा वैसे में कम पानी में जितना अच्छी तरीके से खेती कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ाते हुए, ताकि अधिक से अधिक किसान इसमें लाभान्वित हो सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे जिले के किसान भाई, और कल भी चलेगा ये, पूरे जिले के किसान भाई इसमें आएंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे और जब यहाँ से जाएंगे तो अपने गांव में, अपने क्षेत्र के अन्य किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी देंगे, ताकि लोग अधिक से अधिक इन नई पद्धतियों का और सरकार की स्कीम्स का लाभ उठा सकें।